क्या नाचे ना उस दिन अपने एनजीओ वाले बच्चे, कमाल कर दिया एकदम। अरे बहुत बढ़िया नाचे, बहुत बढ़िया, एकदम स्टेज पे आग लगा दी। जीत गए यार कंपटीशन, मुझे उम्मीद नहीं थी रोशनी, वो राइवल को इतना अच्छा परफॉर्म करके गया था, मुझे लगा कि, लेकिन जीत गए बच्चे यार और डिजर्व करते हैं। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट देम, यू नो रोशनी, सब मीडिया वाले लोग, सब लोग बात कर रहे हैं, सब कवर कर रहे हैं उनको, सारे न्यूज चैनल्स उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे पता नहीं कौन है वो फरिश्ता जिसने इन बच्चों का निखार के इस कदर टैलेंटेड बना दिया। कह रहे थे कि तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं बुलवा लूं? इस बेबी की फोटो को बाहर निकाल दो सिद्धार्थ, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। रोशनी प्लीज। हजारों ख्वाहिशें ऐसे के हर ख्वाहिश दम निकले, बहुत निकले क्या कर रही है दुर्गा? हाँ, ये क्या कर रही है? अरे तो ये क्या कर रही है? पालतू में ये चीजें रख ली ना, हमने क्यों खरीदी, जरूरत ही नहीं थी, हमारी खुद की नजर लग गई। नहीं बेटा नहीं, कुछ बेकार नहीं हुआ है, छोड़िए सब। छोड़ देती हूँ ना, खुश। तू पागल हो गई है क्या? क्या हो क्या गया है तुझे? हाँ? अरे तू तो कितनी हिम्मत वाली है, यू आर अ फाइटर, फाइटर है तू। जिंदगी के हर मुश्किल से तूने अपना रास्ता निकाला है और ऐसी बात में तो टूट गई। रोशनी यंग है बेटा, यंग लड़की है, आज नहीं तो कल वो माँ बन ही जाएगी। तू क्यों इतनी, डॉक्टर ने कहा है कि रोशनी शायद कभी मानने वाली नहीं है। उसने कहा है कि अगर ऐसा हुआ भी तो बहुत वक्त लगेगा,
बुरा मुझे सिर्फ रोशनी के लिए लग रहा है सपना। अगर वो माँ नहीं बन पाई तो संभाल नहीं पाएगी। शी वोंट बी एबल टू हैंडल इट। आप जानती हैं उसे। नहीं दुर्गा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे दुर्गा, तू शांत हो जा। दूसरी लड़की देखनी शुरू कर दो। ऐसे भी मैं इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। ये अच्छा मौका है यही इस रिश्ते को यही खत्म करने का। वैसे भी उस मनुज के साथ साथ बांटने का क्या फायदा? सिद्ध ने जितना उसका साथ देना था ना दे दिया, बस अब और नहीं। हमें भी तो आगे की सोचनी है। ओ मैं क्या बुआ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ओए कमला, मैं सही सोच रही हूँ। तुम लोग तो सब मिट्टी के माधव बन के बैठे हुए हो। ओए अपने खानदान का नाम आगे कैसे बढ़ेगा फिर? अरे मैंने अपने कानों से सुना है रोशनी की माँ को कहते हुए कि रोशनी अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। हुन दसो कैसे बढ़ेगा खानदान का नाम आगे? मैं तो कहती हूँ सिद्ध को नया जीवन साथी चुन लेना चाहिए। हाँ क्या बुआ दादी, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जी नहीं, आप बिल्कुल सिद्ध। आप बुआ दादी, क्या आप मेरे लिए एक नई जीवन साथी ढूंढना चाहती हैं ना? लेकिन वो तो तब तक पॉसिबल नहीं है ना जब तक मेरे अंदर से, मेरी जिंदगी से, मेरे दिल से रोशनी ना निकल जाए पूरी तरह। और वो तभी हो सकता है जब मेरे शरीर में लहू का एक एक कतरा मेरा शरीर छोड़ दे हमेशा के लिए। क्योंकि मेरे लहू के एक एक कतरे पे सिर्फ रोशनी का नाम। समझ रही हैं आप? एक बार, आखिरी बार मैं सबके सामने कह देता हूं कि मैं रोशनी से जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं अपना जीवन त्याग सकता हूं लेकिन अपना जीवन साथी नहीं। इसलिए अगर आज के बाद आपने अपने ये बेवकूफाना बकवास बेहुदा प्लान्स मेरे सामने या मेरे परिवार के सामने रखे तो मैं सब भूल जाऊंगा। परिवार का लिहाज, रिश्ते का लिहाज, उम्र का लिहाज, सब कुछ भूल जाऊंगा और कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिससे ना आपकी गरिमा रहेगी और ना मेरी। सिर्फ पुत्र, सिर्फ पुत्र, क्या कर रहा तू? पागल हो क्या? भगवान,
रोशनी 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 मेरी बात सुनो रोशनी 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 ओपन द डोर रोशनी 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 दरवाजा खोलो क्या हुआ रोशनी दरवाजा खोल दिया रोशनी रोशनी बेटा रोशनी 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 दरवाजा खोल बच्चा रोशनी ओपन द डोर रोशनी अपने आप को बंद क्यों किया हुआ कि तुमने फिर से तो नहीं उसे कुछ कहा या किया वो डीडी इन लोगों की चुप्पी बता रही है कि इन्होंने ही रोशनी को कुछ उल्टा सीधा कहा है खबरदार अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो तुम सब लोगों की पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी कि For God's sake, will you stop it? आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है रोशनी ने खुद को बंद कर लिया है शी इज वल्नरेबल उसको बाहर निकालना जरूरी है अगर सब लोग इस पे फोकस करेंगे तो बेहतर होगा ना रोशनी दादू प्लीज यहां से चले जाओ बुआ दादी सही बोल रही है तुम दूसरी शादी कर लो सदा मैं तुम्हारा कभी उपाय नहीं बन पाऊंगी कभी तुम्हें खुशी नहीं दे पाऊंगी ना तुम्हारा तुम्हें कितना इंतजार था ना उस बच्चे का सदा वो खुशी तो मैं नहीं दे पाऊंगी सदा प्लीज यहां से चले जाओ जाके दूसरी शादी कर लो रोशनी रोशनी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो हमने एक दूसरे से वादा किया था कि सुख में दुख में हर हालात में हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे क्या चाहती हो तुम कि ये एक हादसा हुआ हमारी जिंदगी में हम एक दूसरे का साथ छोड़ दें सब भूल जाएं हमें आगे बढ़ना होगा जीतना होगा जैसे हमने हमेशा जीता है और इस बार भी जीतेंगे ये मेरा वादा है तुमसे मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं जी नहीं सकता मैं तुम्हारे बिना इसे छोड़ दो रोशनी बाहर चली आओ दरवाजा खोलो रोशनी रोशनी ओपन द डोर ओपन द डोर रोशनी 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 अभी नहीं बेटा अभी अच्छा कौन हो रोशनी आंटी खोलो अपना दरवाजा खोलो मुझे चोट लग गई मुझे चोट लग गई रोशनी आंटी मुझे कोई भी नहीं देख रहा सिर्फ अंदर भी नहीं देख रहे हाँ मेरा चोट ठीक है तो मुझे चोट लगा मुझे चोट लग गई आयशा आयशा क्या क्या हुआ तुम्हें कहाँ चोट लगी बेबी आंटी मुझे पता है आपको चोट लगी है तो मुझे भी दर्द हो रहा है आप मत रो अगर आप रोगे तो फिर मैं आपके आंसू पोंछ दूंगी फिर आपके आंसू डर के भाग जाएंगे आपके डर के मजा आ रहा है ना चप 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 देखो आस्ती आंटी पानी में पैर डालने में कितना मजा आता है ना डूबने में कूल ठंडा ठंडा लगता है ना
बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं सैड और गुस्सा थी पानी में मैं फिर लेग्स डुबाती थी। हाँ, फिर आपको मजा आता था। हाँ, चलो पूल में अपना फेस देखो। फेस देखो? हाँ। okay. ये आयशा का फेस कितना बड़ा लग रहा है। अब आपका जूस पीने का टाइम हो गया, मैं लेकर आती हूँ। ओके आयशा। आयशा बेबी ओके ना, लगी तो नहीं कहीं? मुझे नहीं लगा। जूस सर्वेंट ला रहा है, मैंने बोल दिया। अंकल आंटी मुझे नहीं लगा, मत को दर्द नहीं होता है। छोटू सा मर्द। आयशा मैं जानता हूं रोशनी कि तुम्हारी स्माइल को बचाए रखने के लिए मुझे क्या करना होगा। मोना दी, हाँ बस मैं रोशनी को खाना सर्व करके कमरे में ही देकर आती हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही हूँ। मैं यही खाना चाहती हूँ। विश्व? अरे वाह, अरे आना। ये ले, ले। तेरे लिए खास थेपला। ये खीर दीजिए ना, रोशनी को बहुत अच्छी लगती है। उतर। और ये पंजाबी छोले तूने रेसिपी बताई थी ना मुझे, वो ही बनाए मैंने। खा खा। हाँ। बुआ दादी आप मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगी? जरूर खिलावांगी पुत्र, जरूर खिलावांगी। जरूर खिलाऊंगी पुत्र। गुजराती दाल देती हूँ आपको, रोशनी को बहुत पसंद है। हाँ दाल भी खा पुत्र, गुजराती दाल खा। कहा मेरा पुत्र? Hi everybody. अरे सिद्धार्थ तू? आप सबसे कुछ बात करनी थी। आप कौन सी नई मुसीबत लेकर आ गए? सॉरी रोशनी, मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो हम दोनों के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन फिर भी मैंने सबके सामने आना चुना। मैंने सोचा कि यहां सब अपने हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है।